हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं, यदि आपको भूख लगना बंद हो गई है या छोटे बच्चों को भूख नहीं लग रही है, तो जिस कारण से परिवार में माता पिता परेशान रहते हैं और जिसको बड़ों को भूख नहीं रहती वो खुद अपने आप में परेशान रहता है। भूख बढ़ाने के कई प्रकार के उपाय कर चुका होगा या करता रहता है, तो उसके लिए उसे उसकी भूख को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छे से खा सके, शरीर की ग्रोथ को, शरीर की वृद्धि को, शरीर के डेवलपमेंट को बढ़ा सके, शरीर को एनर्जी दे सके, शरीर को न्यूट्रिएंट दे सके, तो वो उसके लिए क्या करना है, एक विशेष दवा मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको लगातार कितने दिन लेना है वो बताऊंगा, कितनी डोज में लेना है, कितने रुपए की आती है ये तक आपको पूरा बता दूंगा मैं, ठीक। तो जो है भूख का ना लगना, इसका जो कॉमन बात करें छोटे बच्चों में तो क्या होता है, उनको भूख तो लगती है, लेकिन क्या होता है कई बार जो है उनको विभिन्न प्रकार के खाना खाने का मन करता है, जिस कारण से वो नाटक करते हैं या खाना नहीं खाते हैं, तो ये इसमें तो भूख लग रही है। लेकिन जब वाकई कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनको पेट की समस्या होती है या बोल सकते हैं उनकी जो पाचन प्रक्रिया वो ख़राब होती है, खासकर कब्ज की दिक्कत होती है छोटे बच्चों में, उन लोगों में भूख कम लगती है, ठीक। तो उनकी भूख को बढ़ाने के लिए जो मैं दवा बताऊँगा वो आपको लेना है। बड़ों की बात करेंगे, यदि बड़ों की बात करें, जो लोग बहुत अधिक तंबाकू खाते हैं, बहुत अधिक कॉफ़ी पीते हैं, बहुत अधिक चाय पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मतलब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में भी भूख ना लगने की समस्या बहुत कॉमन होती है। या इसके अलावा वो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तब भी उनको भूख लगने की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है। यदि कोई बीमारी उनकी अभी ठीक हुई है उसके बाद उनको भूख नहीं लगती है, तो इस सभी समस्याओं में भूख नहीं लग रही है। इस भूख को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं एप्टो एनएल लाइफ सायरप, ले सकते हैं एप्टो एनएल लाइफ सायरप में, इसकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। एप्टो एनएल जो लाइफ सायरप है, ये एक एपेटाइज़र सायरप होता है जो भूख को बढ़ाता है। जब इसको आप रेगुलर लेते हैं, जब रेगुलर इसको आप लेंगे, तो जी हमारी बॉडी में जाकर, हमारे पेट में जाने के बाद लीवर के कार्य को इम्प्रूव करता है, लीवर से निकलने वाले जूस को बढ़ाता है, पेट में निकलने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में जो पाचन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी कार्य करने की जो प्रक्रिया उसको बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि कर देता है, जिससे आपके खाने की जो पाचन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, खाना अच्छे से पचता है, और जिससे ऑटोमेटिकली जो भूख लगने वाले जो जूस हमारे बॉडी में निकलते हैं उनको भी निकालने में हेल्प करता है, जिससे आपको अच्छे से भूख लगती है, और भूख लगने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में तंदुरुस्ती, कमजोरीपन ख़त्म हो जाता है, आपकी बॉडी में जो आपका वजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यदि हम छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो इसकी 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेना चाहिए, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेना चाहिए, लगातार 90 दिन लेना चाहिए, लगातार 90 दिन आपको लेना है, ठीक है। अगली बार बड़ों की बात करेंगे तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना चाहिए इसको भी, और लगभग इनको भी 3 महीने दवा लेनी चाहिए, ठीक है। जब आप 3 महीने लेने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको 450 ml का इसका आता है, 100 ml में भी आता है, 200 ml में भी आता है, 450 ml में भी आता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, जब भी दवा को चालू करें, कम से कम 1 महीना आप यूज़ करें, और तब रिज़ल्ट ना आए तो फिर आप सोचें, लेकिन 1 महीने में तो रिज़ल्ट आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली उनको भूख लगने लगती है दवा यदि रेगुलर लेंगे, और लगभग 3 महीने लेंगे तो उसमें उनको परमानेंटली जो उनकी बॉडी की नॉर्मल प्रक्रिया वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए 450 ml का बॉटल लेना चाहिए। ये जो 450 ml का जो बॉटल होता है, ये आपको 270 रुपये करीब MRP में मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप लेंगे तो कम पैसे में आपको ज़्यादा दवा मिल जाएगी। यदि आप 100 ml लेंगे 100 रुपये का आएगा, 200 ml लेंगे तो 160 रुपये का आएगा, लेकिन 450 ml लेंगे तो 270 रुपये में आपको 450 ml मिल जाएगा। और आप इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो कम से कम 3 से 4-5 बॉटल आपको लगनी होगी 10 ml, जो एडल्ट या बड़ों की जिसमें बात करेंगे, और जो छोटे बच्चों की बात करेंगे उसमें 2 बॉटल में ही काम हो जाएगा। तो लगातार इस बात दवा को लीजिए, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है एप्टो एनएल जो लाइफ सायरप है वो आप ले सकते हैं,
और लगातार उपयोग करके अपनी भूख को नॉर्मल ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, कमजोरी आपकी ख़त्म हो जाए।